बेशरम बेहया, बेशरम बेहया बिन कपड़ों के उरियां रहूं। उरियां कहते हैं नेकेडनेस या न्यूडिटी, दिगंबर वाले स्टेज को। बेशरम बेहया बिन कपड़ों के उरियां रहूं, सागर तखयल में बेहोश सदा रहूं। सागर तखयल यानी पैलेस ऑफ इमेजिनेशन, सॉरी ओशन ऑफ इमेजिनेशन। और एक शेर है कि रोजाना माँ के कदमों को चूम लेता हूँ। आंटी जी आप पे, रोजाना माँ के कदमों को चूम लेता हूँ, इसी बहाने जन्नत घूम लेता। एक और शेर है कि ये मेरा सबसे प्रचलित शेर है कि कभी शागिर्द बन गया कभी उस्ताद बन गया, इस तरह हर किसी की याद बन गया। कभी शागिर्द बन गया कभी उस्ताद बन गया, इस तरह हर किसी की याद बन गया। मैक्सिमम जिस जॉनर की पोइट्री आप लिखते हैं उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा पॉइग्नेंसी होती है। कभी कभी ऐसे भी सिचुएशन आता है कि हम लोग पॉइग्नेंसी को सुपर इम्पोज करते हैं, और दर्द ना भी हो तो पैदा करो, इंजेक्ट कर करके दर्द पैदा करो। तो उस पर एक शेर मैंने लिखा था, उस पर तंज किया हूँ कि मौसम गुल में, यानी स्प्रिंग के सीजन में, वसंत ऋतु में, मौसम गुल में फूल जर्द नहीं होते। जर्द मतलब पीला पड़ जाना, फीका पड़ जाना, या पैलेट कंडीशन इसको कहते हैं। मौसम गुल में फूल जर्द नहीं होते, हर शेर पैगाम दर्द नहीं होते। आगे का मतलब अर्ज कर रहा हूँ कि एक उर्दू लफ्ज है कि रिवायत। रिवायत कहते हैं ट्रेडिशन को, या किसी टाइप के स्टीरियोटाइप को जो चला आ रहा है, जैसे ये दर्द वाला किस्सा, तो उसके ऊपर है कि ये रिवायत तोड़ने आया हूँ मैं, ये रिवायत तोड़ने आया हूँ मैं, टूटे दिलों को जोड़ने आया हूँ मैं। आवाज़ भी न करूँगा चुपके से मर जाऊँगा, आवाज़ भी न करूँगा चुपके से मर जाऊँगा, तेरे रास्ते का कचरा मैं खुद ही साफ कर जाऊंगा। और एक है कि तख्त नशी हूं पर सुल्तान नहीं, तख्त नशी हूं पर सुल्तान नहीं हूं, मैं किसी के जिस्म की जान नहीं हूं। तख्त नशी हूं पर सुल्तान नहीं हूं, मैं किसी के जिस्म की जान नहीं हूं, मैं हूं ही नहीं पर नहीं शैतान नहीं हूं। आगे का मिसरा है कि मैं काली स्याही हूं आयत कुरान नहीं। एक शेर है कि शेर लिखा था मैंने कि एक वर्ड आता है दश्त। दश्त का मतलब होता है डेजर्ट, रेगिस्तान। तो शेर का मतलब कुछ ऐसे है कि तुमने कभी दश्त में आप देखा है मैंने भुवनेश्वर में उर्दू का गुलाब देखा है। आगे अर्ज करता हूँ कि बेनूर सी रातों में बिल्कुल अंधेरी रात, बेनूर सी रातों में नूरानी महताब देखा है, बेनूर सी रातों में नूरानी महताब देखा है, नशिश्त की महफिलों में शायरी को बेनकाब देखा है। माइंड साइंस पे पोएट्री लिखता हूँ, इंग्लिश में, हिंदी में, उर्दू में। तो एक पोएम है मेरा, कविता है आत्महत्या। पहली जो रुबाई है वो ऐसे जा रही है कि जाते जाते मेरा एक काम कर जाओ मेरी सुबह को तुम शाम कर जाओ, जाते जाते मेरा एक काम कर जाओ मेरी सुबह को तुम शाम कर जाओ, यूं रोज रोज का मरना रास नहीं आता मुझको, यूं रोज रोज का मरना रास नहीं आता मुझको, एक बार में ही काम तमाम कर जाओ। आगे कहता हूं कि
हजार ख्वाबों का, हजार ख्वाबों का सर कलम कर चुका हूं, हजार ख्वाबों का सर कलम कर चुका हूं, गम के कर्ज को किश्तों में भर चुका हूं, हजार ख्वाबों का सर कलम कर चुका हूं, गम के कर्ज को किश्तों में भर चुका हूं। अब मुस्कान की झूठी रौनक, अब मुस्कान की झूठी रौनक चेहरे पर क्यों रहे, अब अश्कों का हिसाब भी चुकता कर चुका हूं। आगे कहता हूं कि एक इल्तिजा सुनो, एक रिक्वेस्ट है, एक इल्तिजा सुनो, एक आखिरी ख्वाहिश है, मना मत करना, एक आखिरी गुजारिश है, बस दो गज जमीन मेरे नाम कर जाओ, बस दो गज जमीन मेरे नाम कर जाओ, एक कफन और एक ताबूत का इंतजाम कर जाओ। आगे कहता हूं कि माना लिखता रहा बदमजाक यूं ही उम्र भर, माना लिखता रहा बदमजाक यूं ही उम्र भर, अक्सर रहा बद इखलाक यूं ही उम्र भर, तमीज की बातें कानों में चुभती हैं मेरी, बिगड़ैल बच्चा रहा बेबाक यूं ही उम्र भर। अब आगे कहता हूं, एक तंज है, ये जो दौड़ में दौड़ने वाले हैं ये घोड़े बड़े निराले हैं, रोशनी से तेज भागना चाहते हैं इनके कदम बड़े मतवाले हैं, पर मैं घोड़ा नहीं भेड़िया हूं अधमरा सा, जिंदगी अपने अब रात के हवाले, ये बातें मैं बेकार में नहीं कर रहा हूं, तुम्हें क्या मालूम मैं किस हाल से गुजर रहा हूं, तुम अक्ल और खिरद के आगे बढ़ो तो जानो, खिरद कहते हैं रीजनिंग या लॉजिक को, तुम अक्ल और खिरद से आगे बढ़ो तो जानो, मैं क्यों किसी गैर की सलाह मानूं। अब आगे कहता हूं, जिंदगी को डिफाइन कर रहा हूं इस क्वार्टरिन में, अब जिंदगी बच्चों की एक खेल सी लगती है, यात्रियों को यात्रा करवाने वाली रेल सी लगती है, मौत का फरिश्ता यहाँ का स्टेशन मास्टर कहलाता है, कभी शुरुआत तो कभी अंत का परचम लहराता है। आखिरी रुबाई है, मेरी आवृत्ति तुम्हें बता रहा हूँ, शायद तुम समझ पाओगे मेरे कंडीशन को, हस्ब हाल को। मेरी आवृत्ति तुम्हें बता रहा हूँ, शायद तुम समझ पाओगे मेरे हस्ब हाल को, तुम्हें निराशावादी बनाना मेरा मकसद नहीं, बस उम्मीद है कि तुम समझोगे मेरे इस ख्याल को। आखिरी लाइन में कंक्लूजन आ रहा है कि आत्महत्या करने पर मुझे ना उकसाओ, फिर कभी ये मत कहना जाओ जाके मर जाओ।